इन शर्तों के साथ बैत होता। आज से नहीं, हुजूर सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो बैत शुरू किया, इससे पहले जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, इन्हीं को बैत करने का हक हासिल नहीं था। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, नबी रसूल और पैगंबर तीनों में फर्क होता है। पैगंबर होते हैं, पैगाम पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर का जो दर्जा है वो नबी से थोड़ा कम, उससे ऊपर नबी का दर्जा, और सबसे बेहतर दर्जा जो है रसूल का। रसूल गिने चुने आते हैं, जिन पर सहीबा नाजिल होता है, जिन पर किताब नाजिल हुआ वो रसूल कहलाए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलों के रसूल हैं। तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हुजूर सरवरे कायनात को ही बैयत करने का हक हासिल हुआ, और उन्होंने ये बैयत को कयामत तक के लिए जारी कर दिया कि ये सिलसिला जो है अब कयामत तक जारी रहेगा। तो जारी कैसे रहेगा? अब जारी रहने में शराइत यह है कि जिनको रूहानी खलीफा बनाया जाएगा वही खलीफा बनेगा, नकल वकल से काम नहीं चलेगा। तो नकल वकल इसलिए है कि हर ज़माने में नकली पैदा होते रहता है। आज के ज़माने में तो नकल ही असल बन बैठा है, आज के ज़माने में तो जो नकल है वही असल बन बैठा है। तो इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे आप समझेंगे, कैसे आप जानेंगे, इसकी भी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आइए वहाँ से चलिए कि हुजूर सरवरे कायनात ने जो बैत किया, तो सबसे पहले 2400 आदमियों को बैत, ये बैत रिजवा कहलाता है। जब हुजूर सरवरे कायनात एक बैरी के दरख्त के नज़दीक उन्होंने सबसे अहद लिया कि हम लोग जो जा रहे हैं काबा शरीफ की तरफ, तो यहाँ पर एक वादा तुमसे लेना है कि अगर जंग का ज़रूरत पड़ जाए तो भागना नहीं, ऐसा नहीं कि हमको छोड़ कर तुम लोग भाग जाओ। तो वादा लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहा, वो बैयत खिलाफत नहीं था, वो बैयत तौबा नहीं था, वो बैयत अमानत नहीं था, वो बैयत जहाद। बैयत की चार किस्में, वो बैयत जहाद था। यानी आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिए कि हम लोग जो जा रहे हैं वो अल्लाह की राह में, रसूल की राह में जान देने नहीं जा रहे हैं, और उसका जिम्मेवारी हमारे साथ है कि जहाद में जो लोग बैयत हो करके जाएंगे उनकी गारंटी है, अल्लाह की गारंटी है कि वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो कुछ लोग जो वहाँ पर 2400 में थे, बहुत से लोग जो थे, एक सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि हमने क्या भेजा और क्या खरीदा, बैयत के माने फिर जाना होता है। एक बैयत मैंने होता है घर, बैग ये थे मैंने अगले बैग होता है, ये है बैयत यानी देख जान। तो अल्लाह के रसूल से जब पूछा कि ये क्या मामला है, क्यों हम बिक रहे हैं, क्या हमने बेचा, क्या आपने खरीदा, इसकी ज़रा सी वजाहत कीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो कुफ्र है, तुम्हारे अंदर जो गुमराही है, तुम्हारे अंदर जो जुल्मत है, तुम्हारे अंदर जितना कसाफत है, ये शराब जितना भी खराबियां है, उस सब खराबी को हमने खरीद लिया, तमाम खराबियों को हमने खरीद लिया। लेकिन ऐसे क्यों खरीदेंगे भाई, तुम्हारी सारी गुनाहों को हम क्यों ले लें, सारी खराबी को, सारा कचरा को हम क्यों खरीद लें। हमारी भी एक शर्त, तुम्हारी सारी शर्तों को हम मान रहे हैं, तुम्हारा सारा कसाबत को हम खरीद रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुमको तमाम सह से, माँ से, बहन से, बेटी से, बेटा से, तमाम सह से हमको अधिकतर समझना होगा। सब एक ही शर्त है। अगर हम कहें रात में कि दिन है तो वो दिन है, अगर दिन में कहें कि नहीं 12 बजे रात है तुमको मानना होगा, मैंने इस तरह से मानने का मतलब है। तो सभी सहाबी लोग समझ गए कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो बिल्कुल हक। इस बात पर उन लोग पूरी ज़िंदगी कायम रहे, लेकिन इस ज़माने में कायम रह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि
اللہ کے رسول معجزہ دکھاتے تھے, بزرگان دین کرامات دکھاتے تھے, انہوں نے اپنا انگلی سے چشمہ جاری کر دیا اور بزرگان دین نے مردے کو زندہ بھی کر دیا, مرغا بنا کے کھا لیا, پھر مرغا کو اٹھا دیا. لیکن اس زمانے میں ایسا ہوگا نہیں, تو آپ کو ایمان پختہ کیسے رکھیں گے بھائی؟ آپ کو قرآن حکیم پر پورا ایمان رکھنا ہوگا, قرآن حکیم میں جو باتیں ہیں اس کو حق ماننا ہوگا. اس کے بعد آپ ہر حالت میں کسی بھی صورت میں ایمان پر آپ قائم رہیں گے, تب آپ کا جو کیا ہے پوری گارنٹی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے, غوث العظم ثقلین کی طرف سے اور تمام بزرگان دین کا یہی دعویٰ رہا ہے کہ اگر اس پر آپ مرتے دم تک قائم رہتے ہیں تو تمہاری تمام جو بھی خرابیاں, جو بھی تمہاری برائیاں ہیں, اس سب کو ہم نے خریدا اور جنت الفردوس کا وعدہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو بہت بڑا وعدہ ہے, یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے ہے. کبھی نہیں کہا کہ اے منافقو, اے کافرو, اے بے ایمانو ادھر آؤ, کہا کبھی نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ابھی جو آپ نے سنا تجارت کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں, جہاد کے بارے میں جو قرآن حکیم میں آیا ہے وہ یہ آیت بہت مہتوپورن ہے. اللہ کا فرمان ہے سورہ صف میں آیت نمبر 10, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. معنی کیا ہوا کہ آپ کہہ دیجئے اے ایمان والوں, تم کو کیا میں ایک ایسا تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, اور جہاد کرو اللہ کے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, اور اپنا جان و مال کو مٹا دو, یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. ایک لائن میں اللہ کے رسول نے بتا دیا اللہ کے ذریعے کہ آپ کہہ دیجیے کہ اگر ان شرطوں کو مان لیتے ہیں پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی جہاد ایک ایسی چیز ہے. اب جہاد کی قسمیں, اب جہاد فی سبیل اللہ جہاد کیسے دیجیے گا؟ ایک جہاد ہے جو ظاہری ہے, سامنے جو آپ کا کافر ہے اس کو آپ جنگ میں ہرا دیتے ہیں تو یہ جہاد ہے. لیکن ایک جہاد وہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, یہ اس سے بھی بڑھ کر جہاد ہے کیونکہ یہ دشمن سامنے نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک جہاد ہوا.